ये क्या आइटम है? पानी बना पानी फ्राई। हाँ, पानी फ्राई क्या होता है? सिर्फ पानी बना है, माने पानी डाल के बनाया जाता है। मरीच, हरा मिर्चा, लहसुन सब डाल के बनाया जाता है। बिहार के ऐतिहासिक शहर जिसका नाता भारत की आज़ादी से रहा और साथ ही साथ जॉर्ज ऑरवेल के जन्म स्थल पूर्वी चंपारण मोतिहारी में आपका स्वागत है। आज हमें ज्वाइन करने वाले राजेश पांडे और हम उनके साथ फूड टूर पर जाएंगे। आइए चलते हैं। मैं आज राजेश पांडे जी के साथ हूँ। राजेश जी मेरे कॉलेज के मित्र हैं, हम लोग ने साथ में पढ़ाई की है और आज का फूड टूर हमें राजेश जी करवाएंगे। चंपारण में सबसे पहले सबका ही स्वागत है आपका। हम धन्यवाद हैं चंपारण के तुकौलिया बाजार पे। आइए, आपको सबसे पहले यहाँ की मूर्ति से आपका स्वागत है। जो पुराना छेना का पानी होता है वो डाल के फिर दूध फाड़ते हैं। हो गया। हाँ। इसे कल फाड़ दिया जाएगा। कल फाड़ेंगे, एक दिन बाद। हाँ। तो दूध को फाड़ने में खटास की ज़रूरत होती है, तो खटास के लिए ये छेने का पानी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फिर इसको यहाँ टांग देते हैं, उससे पूरा पानी निकल जाता है, ये पनीर तैयार हो जाता है। उसके उसमें पीसेस काट के फिर चाशनी में उबाल देते हैं, वैसे मुर्गी तैयार होती है। कितना साल हो गया आपके दुकान को? 1500 साल। यहाँ पे सभी दुकान में मुर्गी प्रसिद्ध है ना? तो ये हम लोग को 2 पीस मुर्गी दीजिए फ्रेश, जो गर्म बन के अभी आया। बहुत ही बढ़िया। अब नेक्स्ट कहाँ चलेंगे? चलेंगे यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर एक राजभोग मिलता है, गोविंदापुर जगह है। राजभोग और मिठाई। ये हम लोग आ गए नेक्स्ट फूड स्टॉप पे। गोविंदापुर है। गोविंदापुर, गोविंदापुर इस जगह का नाम है। गोविंदापुर, हाँ। यहाँ पर का जो राजभोग है वो बहुत प्रसिद्ध है पूरे चंपारण में। जो हमने मुर्गी जैसे खाई, जैसे हांडी मीट यहाँ का प्रसिद्ध है, चंपारण का जैसे ताज प्रसिद्ध है, वैसे ही ये राजभोग भी प्रसिद्ध है। आइए इसके तो। ये राजभोग है जी। एक ये क्या चीज़ है? ये क्या है? छेना गाजा है सर। छेना गाजा जी। एक पीस छेना गाजा भी टेस्ट कराइएगा। एक पीस दोनों टेस्ट कराओ। अच्छा, इसको देखिए राजभोग बोलते हैं, लग तो रहा है। हाँ, गर्मा गर्म है ये। है तो बिल्कुल रसगुल्ला की तरह ही। अच्छा, अंदर में खोआ स्टफ किया गया। वाह, और बहुत ही सॉफ्ट है, अभी तो गर्म भी हल्का। बिहार में हर एक ज़िला में कहीं भी आप जाएं, हर जगह कोई ना कोई मिठाई फेमस है। चाहे रूनी सैदपुर का बालूशाही फेमस हो, या गया का तिलकुट हो, या धनरुआ का लाई लड्डू, मरेर का लड्डू हो, हर एक जगह की मिठाई बहुत पसंद है। सबसे बड़ी बात, यहाँ के लोग छेने की मिठाई ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये भी जो हमने लास्ट स्टॉप पे हमने ट्राई किया था मुर्गी, उसी का दूसरा रूप है। ये पतले चाशनी में है। बहुत अच्छी बात है, दोनों ही जगह मीठा ज़्यादा नहीं है। ये कितने साल पुरानी दुकान है? 20 वर्ष। बाहर लिखा हुआ था ड्राइवर साहब की सबसे पुरानी दुकान। पिताजी ड्राइवर थे। अच्छा, तो उन्होंने दुकान शुरू की है, उसके नाम से फेमस हो गया ड्राइवर साहब की पुरानी दुकान। ये अलग था इसमें कि मतलब था एक तरह से रसगुल्ला ही, लेकिन अंदर में स्टफिंग खोए का है।
इतना स्वादिष्ट बनाने के पीछे काफी मेहनत लगता होगा इनको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब दूध का बात है, आज तक जब से इनकी दुकान है हमारे एरिया में कोई शिकायत नहीं है कि मतलब खराब या बहुत, शुरू से उन्होंने जो क्वालिटी रखी पूरे जिला में ऐसा कहीं नहीं मिला। ताजा इसका वैलिडिटी सिर्फ 24 घंटा है, गर्मी का मौसम आ गया 24 घंटा मिलेगा। अभी तो खाया हल्का गर्म भी था, मतलब बिल्कुल फ्रेश बन के आया। हाँ। ये कैसे बनाते हैं ये? ये पनीर टाइप का, उसको कटिंग करते हैं। जैसे मुर्गी बनता है उसी तरह, लेकिन ये पतले चाशनी में। पतले चाशनी में बनता है, तो मुर्गी बनता है तो आपको आए तो उसको ऐसे पनीर बना के, उसके बाद इसको फेट मार के बनता है। फेट मार के मतलब उसको मिक्सिंग करके। अच्छा 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 अच्छा। वो कैसा महसूस होता है शहर से अब दोबारा गांव के बसे? शहर और गांव में बहुत अंतर है। शहर में लोगों के पास समय नहीं है, यहाँ लोगों के पास समय ही समय है। थोड़ी बहुत चिंता होती है बच्चों की पढ़ाई के लिए, दूसरा कौन टेंशन है। आप जैसे यारों की कमी खलती है। मुखर्जी नगर में हम रहते हैं, रिठले में, आदर्श नगर में 100 नंबर पकड़ के आ जाते हैं। हाँ। सही बात है, 100 नंबर बस कमी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। इतने अच्छा अच्छा लोग हैं, भाई चाचा लोग। हाँ। बहुत ठीक है, यही मज़ा है गांव में रहने का। स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण, साग सब्जियां सामने मिल जाती हैं, अच्छे लोग, एक कम्युनिटी सिस्टम, एक पुराना ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम, वो सब कुछ अभी भी जीवित है बिहार में, है कि नहीं? तिलपट्टी है, तिलकुट है? तिलकुट क्या बोल, क्या बोलते हैं तिलकुट बोलते हैं। एक पीस दीजिए। ये बिहार का बहुत प्रसिद्ध जायका है, इसको लाई कहा जाता है। ये गुड़ और मूढ़ी से बनाया जाता है, मेनली मकर संक्रांति के दिन लोग इसे खाते हैं। पर ये बचपन की यादें हैं, है? बहुत खाते थे शौक से, तिल का लड्डू, मूढ़ी का लड्डू, चूड़ा का लड्डू, दाल का लड्डू, है काले तिल का लड्डू, सफ़ेद तिल, काला तिल मिक्स का लड्डू। सत्तू पिए हैं? सत्तू इस बार बिहार में तो नहीं पिए अभी तक। आइए पहले आप सत्तू पिए। थोड़ा बताइएगा सत्तू कैसे बनता है? चना है, सत्तू सा चना पानी फुला कर उसको भूजते हैं, भूजने में दराता है, वो दरा कर चक्की में दराएगा, दाल बनेगा सर, उसके बाद पिसाएगा। ये दाल बना हुआ है, उसको खाली मशीन चालू करें तो पिसाएगा, घर ले लगाते हैं। बहुत बढ़िया सुविधा सर। चलिए सत्तू पिलाइए, सत्तू पिलाइए। अच्छा कच्चा प्याज डालते हैं इसमें? हाँ सर। हरा मिर्चा, नींबू, अब क्या डलाएगा इसमें? मसाला है, भुना जीरा। हाँ सर, जीरा हुआ है, जीरा है, भुना हुआ जीरा है ना। चलिए लाइए, खिलाइए। इसको मैं बोलता हूँ बिहारी प्रोटीन शेक, है कि नहीं? खाने से शक्ति बहुत आता है इसको पीने से, बहुत शक्ति। कहते हैं गर्मी के टाइम पे पी लीजिए,
वो लू नहीं लगेगा। दादा ये नमकीन शरबत है, इसका मीठा भी बनाते हैं। बहुत जगहों पे सत्तू को सान के प्याज के साथ भी खाया जाता है। सत्तू का बहुत प्रयोग होता है, सत्तू की पूरी बनाई जाती है, सत्तू का लिट्टी बनाया जाता है, सत्तू का पराठा बनाया जाता है। शाम में लोग बहुत पसंद करते हैं भुजिया खाना, साथ में फ्राइड आइटम जिसमें कचड़ी, पेजुआ, आलू चप। यहाँ पे जो स्पेशल है वो टमाटर चप है, वो ट्राई करेंगे साथ में भुजिया। 300 ग्राम भुजिया बा हमारे लिए लगाइए, 100 ग्राम भुजिया। ये भुजिया है जिसमें चूड़ा, मूढ़ी, बादाम, सेब, प्याज, नमक, सरसों का तेल सब कुछ मिलाया गया है, मूली भी है। और तीखा खाना चाहें तो साथ में हरी मिर्च। ये शाम में खाने का अलग ही मज़ा है भुजिया का। भुजिया ऐसा चीज़ है अकेले खाने में मज़ा नहीं आता। अच्छा लग रहा है। हाँ अरे बहुत बढ़िया बना हुआ। इसको यहाँ पे लोकल भाषा में टमाटर चप कहा जाता है। टमाटर के स्लाइसेस, उसके अंदर मसाला डाला गया, फिर बेसन के बैटर में डिप किया गया और सरसों के तेल में फ्राई किया गया। टमाटर की अपनी मिठास है, साथ में खूब सारा मसाला डाला हुआ है। हमारे मित्र राजू पांडे जी राजनीति में बहुत सक्रिय हैं, तो उनको निकलना पड़ रहा है, लेकिन हमारे साथ आगे अब शुभम जी रहेंगे और जो भी यहाँ का मोतिहारी का नॉन वेजिटेरियन जायका है वो हम इनके साथ कवर करेंगे। चलें शुभम जी। चलिए। राजू पांडे जी आपका बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, कॉलेज के दिन याद आ गए हैं। बनता है उसके बाद से नून फ्राई। नून फ्राई? नून फ्राई। ये क्या आइटम है? पानी बना? पानी फ्राई। हाँ पानी फ्राई क्या होता है? सिर्फ पानी बना है, माने पानी डाल के बनाया जाता है। हमारी झारा मिर्चा लहसुन इसे डाल के बनाया जाता है। मेरा दो आइटम क्या कीजिए। इस डिश को नून पानी फ्राई कहते हैं, ये बिना तेल के पकाया जाता है। हल्का तेल तो दिख रहा है ना, तो इजी मटन का तेल है। खाइए। मटन का तेल है? काला मिर्च, सूखा मिर्च। तो इसको इसे बनाने का विधि क्या है, कैसे बनाते हैं इसको? पानी में बनता है। मिट ले आए, मरीज कूट के डाल दिए इसमें, थोड़ा सा लहसुन मिला दिए और इसमें क्या किए, फोरन डाल दिए, हरा मिर्चा, सूखा मिर्चा, लहसुन, ठीक है, जो इसमें लाल मिर्च डाल दिए, मिर्च डाल दिए, मिर्च को भूजेंगे इसमें, भूजेंगे थोड़ा, भूजेंगे एक दो मिनट, पानी डाल देंगे एक यानी एक लीटर पानी डाल देंगे। जैसे बने जैसे सूखेगा ना, यही रहना होगा, हमेशा भूजते रहना होगा हमेशा, जैसे लाल होगा बस तैयार हो जाए। इसमें तेल बिल्कुल भी डाला नहीं गया। अच्छा दो पीस स्टू खिलाइए, हम मेरा स्टू खाइए। अरे मेरा स्टू ऐसा स्टू पूरे बिहार में नहीं मिलेगा, यहाँ पूरे ओरिजिनल खसी मानता है, ओरिजिनल बकरा है, इसको खसी बोलते हैं हम लोग, यहाँ बकरी पार्टी कुछ नहीं मिलेगा। बहुत टेस्टी है, देखिए आप सामने देख रहे हो। पटना गया थे एसपी साहब, दो दिन रुके हैं, मैंने बस खा तो कहा पटना चलिए, बस नंबर दिए तो नहीं गए। सर बहुत स्वाद है, इंडिया से 10 जगह से ऑफर आ गया, कहाँ कहाँ जाएंगे? नहीं नहीं आप कहीं नहीं जाइए, आप यहीं रहिए, यहीं रह के बनाइए और बढ़िया मीट लोगों को खिलाइए। मीट प्रॉपरली कुकड है, बहुत टेस्टी है, बहुत ही लाजवाब, ये स्ट्यू ट्राई किया जाए। पूरा होटल पूरा लाइफ घूमे होंगे, ऐसा मीट कहीं यहाँ पर नहीं मिला होगा। हम क्या कर रहे हैं, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, खाना खुद बोलता है। हम तो बोल नहीं है, हमारे से बिल्कुल 10/10। अगर हम यहाँ रहते हैं मोतिहारी में तो रोज़ शाम में आप हमको ये देखते हैं, और कभी रोटी के साथ, कभी चावल के साथ, कभी भुजिया के साथ,
अलग जायका रोज लेते हैं। हम पहली बार ये डिश खाए हैं नून पानी फ्राई, मतलब लोग चंपारण को अहुना मीट के नाम से जानते हैं, लेकिन जो ये डिश थी नून पानी फ्राई ये भी पॉपुलर करी है आप, बहुत ही टेस्टी था। ठीक है सर, थैंक यू। चले लाइन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। आज का मशीन जो है जो ऐसा चीज़ है कि जल्दी यहाँ मिलता नहीं, दिल्ली में भी हम दिल्ली से लाए, चार बार लाए मशीन, फिट करवाया, फिर दस दिन बाद में खराब, उनसे मशीन को हटा दिए, तो यही बनवाए। 25 वर्ष से हाँ। कैसे आइडिया आया ये बनाने का? मिस्त्री को बोले अपना आइडिया लगा दी, ठीक है बना दी, कुकर लिया है ये कुकर बना दी, मतलब वही साइंस तो वही है, इसमें स्टीम बनता है, पानी खोलेगा ना, पानी खोलेगा स्टीम बनेगा, बनेगा और स्टीम को बाहर निकालना है। वाह, उसके लिए अपना पेचकस से आप हैंडल बना दिए और इसका एक पाइप लगा दिए, उससे स्टीम बाहर आ रहा है और यहाँ नॉब लगा हुआ है ना, जब बंद करते हैं तो स्टीम बंद हो जाता है और जब खोलते हैं तो स्टीम बाहर आ जाता है। स्टीम बाहर आ जाता है। वाह, इसको बोलते हैं प्रेशर कुकर कॉफ़ी मेकिंग मशीन, है कि नहीं? इसको और भी कहीं बनाते हैं, सिर्फ यहीं मतुहरी में मिलता है और भी कहीं जगह? और ज़्यादा जगह नहीं मिलेगा। नहीं, आपका शुभ नाम क्या हुआ? राजेश कुमार जी। वाह, मतलब यही है नहीं, कैसे अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है वो यहाँ आके पता चलता है। अच्छा, गर्मी में लस्सी होता है और जाड़ा में कॉफ़ी। चलिए, राजेश कुमार जी के यहाँ कॉफ़ी पी ली, अब दिनेश नाथ जी के यहाँ पान खाते हैं। और इसी के साथ हम अपने मोतिहारी के जायके का सफ़र समाप्त करेंगे केशव पान भंडार पे। हम फिर मिलेंगे नए शहर में नए जायके के साथ, तब तक कीप वॉकिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। तो पहले पनीर को फाड़ते हैं। जी, पनीर फाड़ के सीधे में। नहीं नहीं, पहले दूध को फाड़ते हैं ना, पनीर फाड़ते हैं। हम लोग आ चुके हैं गोविंदपुर, गोविंदापुर। ये लगभग तुपोरिया से 10-12 किलोमीटर। और ये जगह हम लोग आ चुके हैं गोविंदपुर, और लास्ट स्टॉप से लगभग 10-12 किलोमीटर जगह है। गोविंदपुर नहीं, सपरा जी, गोविंदापुर। अच्छा ठीक है। ये कैसे मनाते हैं राजभोग? हम नहीं बनाते सर। जी निकालो, जिम निकालो एक बार। हाँ दोबारा निकालो, जिम निकालो, निकालो। हाँ जिम निकालो, जिम निकालो, निकालो। अरे पानी का बिल्कुल मात्रा नहीं है, तेल का मात्रा नहीं है पानी में। सॉरी, ऐसे ऐसे पानी बिल्कुल भी नहीं है, मैंने सॉरी, हम तेल नहीं है इसमें, तेल बिल्कुल भी डाला नहीं गया। इसको आराम से बैठ के खाते हैं ना सर। आइए, काहे खड़े होकर हम लोग हड़बड़ा रहे, भाग थोड़ी रहे, आइए साथ बैठते हैं। आइए, बोले हैं बहुत बार ये, आप जाइए सर के, ये बोलवे नहीं है, खाली बोला पानी में उबाल रहे हैं, पानी में उबाल रहे हैं। बोले पानी में कैसे उबाल रहे हैं? हम बोला मीट गला रहे होंगे, बहुत स्वाद मिलेगा, फिर दोबारा का तभी बोले। पता नहीं ये पूर्वक कहे नहीं समझता है। शक नहीं रह सकता क्या कर रहा है, ये काहे फोटो खींच रहा है, मन में थोड़ा लगता तो होगा।